जल्दी जल्दी जल्दी। सुनो, तुमने इन फूलों को सामने उस ऑफिस में देने हैं, समझ गए? जी अच्छा मैडम। जल्दी जाओ। जी कहिए। सर ये बुके मिस सोना पैक्टिस के नाम का है। तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं सोना पैक्टिस हूँ? नहीं सर, लेकिन वो कहाँ मिलेंगी? मैं उसका असिस्टेंट नहीं कि जो मुझे मालूम हो कि वो कहाँ है। सॉरी सर। मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने के बाद आपका सॉरी कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर मैं जाता हूँ। अच्छा रुको, जरा रुक जाओ एक मिनट। ये फूल यहां रख दो, मैं मैडम को पहुंचा दूंगा। ये मुराद सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। तुम्हारे लिए। मगर ये किसने भेजा है? मुझे क्या मालूम, मगर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये किसने भेजे हैं। वो इसलिए कि वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है, क्योंकि लाल फूलों का मकसद यही होता है, यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड? आज के बाद तुम्हारी प्राइवेट लाइफ मेरी टेबल पे नहीं होनी चाहिए, समझ गई तुम? ओके समझ गई। हाँ, इसमें से तो अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये मुझे किसी चाहने वाले ने ही भेजा है। मैं उस चाहने वाले से ये कहूंगी, अगर अब कभी वो मुझे फूल भेजे तो मेरी टेबल पे रखे, ना कि मेरे बॉस की, क्योंकि मेरे बॉस को किसी की प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और कुछ कहना है आपको? नहीं। उस रात के लिए मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे एक और मौका दो। चैंक शर्मिंदा है और ऊपर से फूल भेज रहा है मुझे। सामने आओ तुम मेरे एक दफा, तुम्हारी सारी शर्मिंदगी एक मिनट में बाहर निकाल के रख दूंगी। एक ढीठ कम था जो एक और ढीठ मेरी जिंदगी में आ गया। मेरा चश्मे ने किसने फूलों का गुलदस्ता बना दिया? दुरुक आ गया क्या ऑफिस? जी आ गया मुराद सर। अच्छा ठीक है, ये फूल इस टेबल पे क्या कर रहे हैं, ले जाओ इन्हें यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं पता यहाँ पर किसने रख दिया, उसके डस्टबिन में फेंक देती हूँ। जैसे डिजाइनर आए मुझे फौरन बताओ, मुझे अगली मीटिंग में भी जाना है। ओके सर। ओके सर, मेरी तो जान ही चली जाएगी। हाँ